हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर में, और आपका स्वागत है कमोडिटी मार्केट पर दोस्तों। एमसीएक्स के प्राइस चार्ट पर हम कई कमोडिटी की एनालिसिस करेंगे, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं एमसीएक्स गोल्ड के प्राइस चार्ट पर। ये गोल्ड मिनी का एमसीएक्स के ऊपर में वीकली टाइम फ्रेम में आप प्राइस चार्ट देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर गौर से देखें तो इस मासिव इंपल्सिव वेव के बाद इसमें एक मेजर करेक्शन की शुरुआत हुई और शॉर्ट टर्म में गोल्ड एक डाउन ट्रेंडिंग मूव में आ गया। अब दोस्तों इसको देखें, ये एक फॉलिंग चैनल में ट्रेड हो रहा है। प्राइस ने यहाँ रिजेक्शन दिखाया, रिजेक्शन दिखाया, रिजेक्शन दिखाया, और फिर यहाँ पर दोस्तों इस ट्रेंड लाइन से प्राइस का रिजेक्शन है। जबकि नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है, लोअर फाइबर है जो इस चैनल का, वो दोस्तों एक सपोर्ट के रूप में एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है फिलहाल दोस्तों कि प्राइस फिलहाल एक की सपोर्ट एरिया पर रेस्ट कर रही है। यहां पर देखिए, पहले प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन था। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को ध्यान से देखें तो यहां पर प्राइस सपोर्ट लेते हुए नजर आ रही है, जो एक कन्फ्लुएंस है ईएमए 55 का। अब दोस्तों यहां पर पिछले वीक की कैंडल में देखें तो बाइंग आई और उसके बाद सेलिंग प्रेशर आया, तो एक इन्वर्टेड हैमर जैसा फॉर्मेशन होता हुआ नजर आया है। टेक्निकली स्पीकिंग ये एग्जैक्टली इन्वर्टेड हैमर नहीं है, क्योंकि इसमें लोअर शैडो का समावेश है। लेकिन अगर हम मार्केट की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें तो ये एक इन्वर्टेड हैमर नजर आ रहा है। तो चलिए अब डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और इस एनालिसिस को फर्दर समझते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, इस जगह पे अगर गौर से हम देखते हैं तो मैं आपको एक फॉर्मेशन खींच के दिखाता हूँ। प्राइस ने अपसाइड मूव किया, लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन किया, नीचे आई प्राइस, हेड का फॉर्मेशन किया, और इसके बाद दोस्तों यहां देखिए राइट शोल्डर का फॉर्मेशन करके प्राइस यहां पर एक ब्रेकडाउन हुआ, जो एक वीकनेस को दर्शाता है। और इसकी चर्चा पिछले सप्ताह की कमोडिटी की एनालिसिस जो की गई थी उसमें भी की गई थी। अब यहाँ देखिए, फॉल होने के बाद प्राइस में पुल बैक हुआ और प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई। अब दोस्तों क्या है कि यहाँ पर आप देखिए, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूँ। ये आप देखिए प्राइस का सपोर्ट था, जो यहाँ रिजेक्शन के रूप में, एक रेजिस्टेंस के रूप में साबित हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो एक इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ। तो दोस्तों अभी गोल्ड में एक वीकनेस है। अगर हम सिंपल इस हेड एंड शोल्डर का टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं तो देखिए दोस्तों, इसको मैं पॉइंट ऑफ इससे ब्रेक करता हूँ तो ये लोअर चैनल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो 45,430 का लेवल है दोस्तों। अपसाइड में अगर हम देखें तो अब ये जो नेकलाइन है इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर की, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साबित होगी, जो लेवल है दोस्तों समथिंग अराउंड 48,700 का। तो 48,700 बहुत मेजर रेजिस्टेंस के रूप में हम देख सकते हैं। तो लॉन्ग ट्रेड की तो इस अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी को इसमें ढूंढ सकते हैं। एंड दे कैन प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 45,500 एंड उनका स्टॉप लॉस जो होगा ये ईएमए 21 से थोड़ा ऊपर होगा, समथिंग अराउंड 48,300 के आसपास में उनका स्टॉप लॉस होगा, और ट्रेंड को वो राइट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं सिल्वर मिनी के प्राइस चार्ट पर और उसके टेक्निकल एनालिसिस करके संभावनाओं को तलाशते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये एमसीएक्स के ऊपर में सिल्वर मिनी का प्राइस चार्ट है, जिसकी हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब वीडियो बना था इस चैनल पे, उस समय पे ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर की चर्चा की गई थी और अकॉर्डिंगली इसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था। वॉल्यूम में भी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन था, जो इंडिकेट करता था एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन को मार्केट में। अब दोस्तों इसके अनुसार जो टारगेट निकल के आ रहा था
वो 74,900 से 75,000 का आ रहा था, जिसकी चर्चा की गई थी। अब दोस्तों प्राइस ने 1 फरवरी 2021 को एक हाई बनाया 74,217 का, तो मतलब 75,000 का टारगेट अचीव नहीं हुआ और एक प्राइस ओवर एक्सटेंडेड होने से रिट्रेस करती है। और यहां पर दोस्तों आप देखिए प्राइस ने सपोर्ट लिया ईएमए 21 पर और उसके बाद बना वन वाइट सोल्जर, प्राइस अपसाइड गई और फिर करेक्शन हुआ और यहां पर देखिए दोस्तों फिर से एक अबेंडेंट बेबी टाइप का कैंडल का फॉर्मेशन है और जिसका फॉलो थ्रू हुआ 12 फरवरी 2021 को। इसका मतलब है दोस्तों कि ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन खींची गई थी, जिसकी चर्चा लास्ट वीक में भी की गई थी, तो ये ट्रेंड लाइन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगी। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें इमीडिएट टर्म्स में अगर सपोर्ट की बात करें तो 66,300 पर एक सपोर्ट नजर आ रहा है दोस्तों। अब अपसाइड की बात करें तो 71,400 का लेवल जो है एक रेजिस्टेंस के रूप में हम देख सकते हैं, क्योंकि प्राइस में यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शन है और यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शन है, तो 71,400 से 71,500 का बैंड एक रेजिस्टेंस के रूप में साबित होगा दोस्तों। तो जो दोस्तों एग्रेसिव ट्रेडर है वो लॉन्ग ट्रेड को ऑफ कोर्स यहाँ इनिशिएट कर सकते हैं। जो लास्ट कैंडल है 12 तारीख की, उसका हाई है 69,429, तो 69,435 या 440 पर एक बाय स्टॉप ऑर्डर डाल सकते हैं। अगर वो ट्रिगर हुआ तो हम ट्रेड में होंगे, अदरवाइज फॉल्स सिचुएशन को मार्केट में अवॉइड करने में लार्ज एक्सटेंट तक हम सफल हो पाते हैं और उस केस में स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों 6,300 के आसपास में और हम प्ले कर सकते हैं टारगेट को 71,400 से 74,500 के टारगेट को। और ये टारगेट अगर ब्रीच हुआ तो अगला टारगेट देन दोस्तों 75,000 का हम सिल्वर में देखेंगे दोस्तों। ये रेजिस्टेंस एक बार निकल गया दोस्तों तो सिल्वर में एक अपसाइड काफी नजर आ रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब क्रूड ऑयल के प्राइस चार्ट पर चलते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आप अपने स्क्रीन के ऊपर में देख रहे हैं एमसीएक्स क्रूड ऑयल के प्राइस चार्ट को। दोस्तों आपको याद होगा लास्ट वीक में क्रूड ऑयल की जो चर्चा की गई थी 4,244 पर एक टारगेट दिया गया था, वो टारगेट तो अचीव हो गया और उसके पहले दोस्तों 4,080 का टारगेट था, वो भी अचीव हुआ था। अब दोस्तों क्रूड ओवर एक्सटेंडेड नजर आ रही है, आप उसको देख सकते हैं, ये राइजिंग चैनल में ट्रेड हो रही है जहां लोअर फाइबर सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है और अपर फाइबर में एक रेजिस्टेंस है और जिसके पास में प्राइस पहुंचती हुई नजर आ रही है दोस्तों। तो बहुत ज्यादा आप मूव हुआ दोस्तों तो ये 4,415 के आसपास इसमें अपसाइड हो सकता है, लेकिन उसके बाद बहुत जल्दी इसमें करेक्शन की शुरुआत होगी, जो करेक्शन को हमें पेशेंटली इंतजार करना चाहिए। और जब प्राइस करेक्ट होके ईएमए 21 या दोस्तों ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके बाउंस बैक का सिग्नल दे थ्रू अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, तो उस समय पे एक फिर से अच्छे लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी की संभावनाओं को हम तलाश पाएंगे और तब दोस्तों उस केस में हम इसके टारगेट को फिर से जाते हुए देखेंगे 4,400 के आसपास में। तो ओवरऑल व्यू बुलिश है दोस्तों, लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशियो अभी नहीं मिलेगा अगर हम लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट करें, इसीलिए प्रूडेंट होगा कि हम इंतजार करें एक करेक्शन का और करेक्शन के बाद में दोस्तों जब यहां पर हमें बाउंस बैक की अपॉर्चुनिटी मिले तो बाउंस बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के तहत हम अपने लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब कॉपर के प्राइस चार्ट पे चलते हैं और मेटल स्पेस में हम एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं एमसीएक्स के ऊपर में कॉपर का प्राइस चार्ट, जिसकी हम एनालिसिस करेंगे दोस्तों। आपको याद होगा पिछली एनालिसिस जब कॉपर की गई थी तो दोस्तों यहां पर एक फ्लैग के ब्रेकआउट की चर्चा की गई थी और फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट दर्शाया गया था जो पहले टारगेट को इसे ले जाता था दोस्तों 644 पे, तो करीब वो टारगेट तो अचीव हो गया है दोस्तों। अब यहाँ पर अगला टारगेट जो है 677 है, तो जो लोग ऑलरेडी ट्रेड में हैं उन्हें
स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए और ट्रेंड को राइड करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है और करेक्शन किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि प्राइस 127.2% एक्सपांशन लेवल के करीब पहुंच चुकी है। तो एक दो तीन रुपए का अपसाइड के बाद में एक करेक्शन की शुरुआत हो सकती है। और दोस्तों इस फ्लैग के ब्रेकआउट का पोल काफी बड़ा है और दोस्तों अगला टारगेट 677 पे जाता है, तो जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं उन्हें पेशेंटली इंतजार करना चाहिए दोस्तों करेक्शन का, क्योंकि जब प्राइस ओवर एक्सटेंडेड होती है तो कभी भी रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नहीं मिलता है। लॉजिकली दोस्तों अगर आज आप एंटर करेंगे तो क्या आप सस्टेन कर पाएंगे स्टॉप लॉस को 584 के नीचे? नहीं दोस्तों, तो इसीलिए इंतजार करना बेहतर होगा। और जब भी ये करेक्शन के बाद में दोस्तों यहां पर प्राइस सपोर्ट लेती है समथिंग अराउंड 619 से लेकर 629 तक का एक बैंड है जो एक डिमांड बैंड के रूप में इस चार्ट पर नजर आ रहा है, तो उस जगह पे फिर से जब बाउंस बैक होता है तो एक लॉन्ग ट्रेड की संभावनाओं को तलाशा जा सकता है एंड टारगेट किया जा सकता है 675 से 677। तो कॉपर में दोस्तों कई समय से आपका चैनल बुलिश है, जब वो चार्ट का ट्रेंड रिवर्सल हुआ था 395 पर, तब से दोस्तों एक पोजिशनल ट्रेड के बारे में चर्चा हम करते हुए चले आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और लेड के प्राइस चार्ट पर उसकी टेक्निकल एनालिसिस करके संभावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर लेड के डेली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट को देख रहे हैं MCX इंडिया पर। दोस्तों पिछली एनालिसिस के दौरान लेड में इस कप एंड हैंडल फॉर्मेशन की चर्चा की गई थी, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है इस अप मूव के बाद में दोस्तों, जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, थ्रोबैक हुआ और ये प्राइस ने दोस्तों यहाँ पर इस काउंटर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके रिवर्सल दिखाया और पहला टारगेट जो था दोस्तों इसका था 166 का, वो तो अचीव हो गया दोस्तों, और सेकेंड टारगेट था 172, इसके करीब ये पहुंचता चला आ रहा है। तो अब दोस्तों प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है, हमें फिर इंतजार करना होगा कि जब प्राइस रिट्रेस होके ये जो रेजिस्टेंस एरिया था अब एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा, या प्राइस रिट्रेस होके ये ट्रेंड लाइन जो खींची गई है इसे हम एक्सटेंड करके रख सकते हैं और ये एक रेफरेंस की तरह साबित होगी। जब प्राइस वैल्यू जोन में आएगी और बाउंस बैक होगा, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बने दोस्तों, वो वन वाइट सोल्जर हो सकता है, बुलिश एनगल्फिंग हो सकता है, मॉर्निंग स्टार हो सकता है, पिन बार फॉर्मेशन हो सकता है, तो दोस्तों कोई भी फॉर्मेशन अगर होता है तो उस समय पे फिर एक लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि मार्कअप फेज में बार बार आपको स्विंग ट्रेडिंग की या पोजिशनल ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी और इस तरह के मार्केट स्ट्रक्चर में एंड प्राइस स्ट्रक्चर में। तो चलिए दोस्तों अब लास्ट कमोडिटी को पकड़ते हैं और निकल के प्राइस चार्ट पर चलते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों ये निकल के प्राइस चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में MCX इंडिया पे आप देख रहे हैं दोस्तों। दोस्तों आपको याद होगा इसमें भी हमने इस कप एंड हैंडल फॉर्मेशन की बात की थी और इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था जो पहले से काफी दिनों से सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। तो एक एस्टैब्लिश ट्रेंड लाइन है और ये रेफरेंस ट्रेंड लाइन है जो बार बार आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी, खास करके स्विंग ट्रेडिंग की या पोजिशनल ट्रेड को इनिशिएट करने का मौका देगी वैल्यू जोन में। तो दोस्तों इसके पहले टारगेट की जो बात की गई थी 1330, वो तो अचीव हो गया, सेकेंड टारगेट था 1367-68, तो उसके करीब पहुंच के एक रिजेक्शन हुआ है, लेकिन लास्ट कैंडल को ध्यान से देखें, प्राइस का करेक्शन होने के बाद ये यहाँ पर एक बुलिश पिन बार बनाए जिसकी लॉन्ग लोअर शैडो है और ये प्राइस का यहाँ रिजेक्शन था, तो एक की सपोर्ट एरिया से बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर एक ट्रेड को इनिशिएट करने की संभावना नजर आ रही है। जो लास्ट कैंडल है इसका हाई है 1354, तो 1356 पर हम एक बाय स्टॉप ऑर्डर डाल सकते हैं, अगर वो ट्रिगर हुआ तो हम ट्रेड में होंगे, अन्यथा हम ट्रेड को अवॉइड करने में टू अ लार्ज एक्सटेंट सफल होंगे। फेक मार्केट सिचुएशन को किस तरह से अवॉइड करते हैं उसका वीडियो भी आपके चैनल पर है, हमने एक ट्यूटोरियल में बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखिएगा, आपकी ट्रेडिंग काफी इंप्रूव हो सकती है उसके कॉन्सेप्ट को समझने से। अब दोस्तों यहां पर आप देखिए इस करेक्शन के बाद में तो इस इंपल्सिव वेव का करेक्शन 38.2% हुआ है और की सपोर्ट एरिया पे हुआ है। अगर हम इसके
रिट्रेसमेंट को चेक करके देखें तो देखिए दोस्तों ये लास्ट इंपल्सिव वेव का आप देखिए प्राइस ने एग्जैक्टली 38.2% पे सपोर्ट लिया जो पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। तो दोस्तों इसमें स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हम ट्रेड को लॉन्ग इनिशिएट करेंगे लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर में। दोस्तों प्राइस अगर उसके ऊपर में गई तो 2 रुपए ऊपर में, 3 रुपए ऊपर में आप बाई स्टॉप ऑर्डर डाल सकते हैं और टारगेट आपके दिमाग में होगा 1410 से 1415 का। दोस्तों काफी अच्छा टारगेट है। और दोस्तों यहाँ स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस दोस्तों हम ईएमए 21 के थोड़ा नीचे रख सकते हैं। अगर बेहतर होगा अगर स्टॉप लॉस हम 1273 पर रखें क्योंकि यहाँ पर एक माइनर सा गैप है जो रिस्की हो सकता है, या फिर दोस्तों इस ट्रेंड लाइन से 180 नीचे हम स्टॉप लॉस को रखकर ट्रेंड को राइट कर सकते हैं एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको एमसीएस कमोडिटी की ट्रेडिंग के रिलेटेड वीडियो का पसंद आया है दोस्तों तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों इसे शेयर भी करें। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए ताकि जब भी हम नया वीडियो लेके आए आपके चैनल के ऊपर में तो आपको वक्त पे नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई भी वीडियोस चैनल पे मिस ना करें। तो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र। हेलो फ्रेंड्स। देखने के लिए धन्यवाद, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें।